बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हमारा उर्दू अलिफ का दिन है। आज हम सबक नंबर 7 योम दिफा करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या करना है, ये मैंने इससे पहले जो आप देख सकते हैं लिख भी दिया है, फिर भी सुन लें ताकि आपको सबक में पता हो कि हमने क्या करना। सबसे पहले तो हमने इसकी रीडिंग करनी है, इसके साथ इसके मुश्किल अल्फाज के मायने, ये कुछ सबक के ऊपर स्टार्ट में होते हैं और इधर सफ़ा नंबर 138 पे है, यहाँ से हम करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मायने के बाद इसका हम रीडिंग भी करनी है। रीडिंग, मुश्किल अल्फाज के मायने, मश्की सवालात सारे, इसके बाद हमने इसकी सलीस करनी है इस पैरे में से, एक इस सबक में से एक पैरे की, और इसके बाद हमने इसका खुलासा करना है। ये पूरे काम इसमें करेंगे तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यौम दिफा, इसका रीडिंग जो है आपने आराम से करनी है। इसके मुश्किल अल्फाज इमसाल, इस साल, उमंग, जोश, वलवला, जर्री, बहादुर, जोग दर जोग, ग्रोह दर ग्रोह, छक्के छुड़ाना, बदहवास करना, ये आपने सारे मायने खुद लिख लेने हैं। इसकी एक्सरसाइज के सवाल जवाब करते हैं। सवाल नंबर 1, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब पहले सफ़े पे आए, सफ़ा नंबर 34 पे। यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? दूसरी लाइन में, सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और बर्री अफवाज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ तक पहले, फिर एक लाइन छोड़ के जहाज़ जहाँ बना उसके नीचे यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ तक। दूसरा सवाल है, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्कद होती है? चाहे तो इसके लाहौर में, जहाँ पहले सवाल ख़त्म हो रहा है उससे नीचे वाली लाइन में देखें, लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। चाहे तो यहीं पे लिख दे, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्कद होती, कहाँ काट के लिख दे, फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद होती है। फिज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? तीसरा सवाल है, नीचे से 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन के दरमियान से आगे देखें, लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फिज़ा गूंज रही थी। यहाँ तक। तीसरा, चौथा, तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? इसका जवाब नीचे से दूसरी लाइन में, तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। यहाँ तक। इसके बाद है, तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? तो इसका जवाब आप यहीं पे लिख लें, तिलावत और नात के बाद क्या काट के लिख दें, कौमी तराना पढ़ा गया। क्या काटें, उसकी जगह लिख दें कौमी तराना। नाजरीन ने फौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? इसका जवाब भी यहीं लिख दें, किस तरह काट दें पूरा, नाजरीन ने फौजी जवानों को तालियां बजा कर दादे तहसीन दी। किस तरह काट के तालियां बजा कर। उम्मीद है कि इसका समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में से हमने क्या करना है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो इसके आगे भी सवाल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।